सूरदास जी जैसे महापुरुष को कोई पहचान पाया, जन्म से अंधे थे सूरदास जी। पैदा हुए तो माँ बाप ने माथा ठोका, बताओ अंधा बालक पैदा हो गया, अब जीवन भर का बंधन, बैठे बैठे कहां तक इसको खिलाएं। अब भाग्य की बात, इनके पिताजी को जिस समय सूरदास जी का जन्म हुआ था, बढ़िया उच्च ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ सूरदास जी का, तो इनके पिताजी को कहीं बढ़िया अच्छे यजमान के, संपन्न यजमान के घर में गए, तो उस यजमान ने सोने की मोहर दी दक्षिणा में। पिताजी बड़े खुश हुए, अरे बड़े अच्छे मुहूर्त में योग में बेटा हुआ, ऐसा पैदा हुआ कि जीवन भर की हमारी दरिद्रता ही दूर कर दी, यजमान ने बढ़िया सोने की मोहर दक्षिणा में दी। अब भाग्य की बात, उन मोहरों को एक चूहा चुरा के ले गए, तो सूरदास जी के पिताजी बोले देखो कैसा कर्म फूट पैदा हुआ, मिली मिलाई मोहर भी गायब हो गए। अच्छा, सूरदास जी महाराज जन्मांध थे, जन्म से अंधे थे, लेकिन इनको कुछ ऐसी दैवी शक्ति प्राप्त थी कि अगर किसी व्यक्ति का कोई सामान कोई वस्तु खो जाए तो ये बता देते थे, अमुक जगह मिलेगी, ऐसा कर दो ऐसा कर दो, ये सामान वहां खोया है उसने लिया है मिल जाएगा। तो इनके पिताजी ने कहा अरे सूरदास, लोगों के तो बड़े योग बताता है, अरे तेरे बाप की सोने की मोहर खो गई, हमारा भी योग बता कब मिलेगी। बोले पिताजी मिल तो जाएगी, क्या करें। बोले मिलने के बाद हाथ पकड़ के हमें घोर जंगल में छोड़े आने। पिताजी ने सोचा मोहर तो मिले, किसको जहां छोड़ना होगा छोड़ देंगे। तो सूरदास जी ने कहा पिताजी आपने छाने में अमुक जगह रखी थी, चूहा चुरा के ले गए, आप जाइए चूहे के बिल में देखिए वहां मोहर रखी गई। पिताजी ने देखा मोहर मिल गई। पिताजी ने सोचा जब ऐसा बालक है, देवगति को जानने वाला बालक है, अब इसको जंगल में कैसे छोड़ें। फिर लोभ आ गया मन में, अरे इससे तो हम बहुत पूजे जाएंगे, अरे बेटा कहाँ जंगल में जाओगे, धक्का खाओगे, यहीं रहो। पिताजी देख लीजिए, अगर जंगल में नहीं छोड़ा तो मिली मिलाई मोहर फिर खो जाएगी। पिताजी ने सोचा भाई मोहर नहीं खोनी चाहिए, तुझे जाना पूजा, हाथ पकड़ के जंगल में छोड़े सूरदास जी को। मिट्टी जैसी वस्तु से प्रेम किया, सूरदास जी की वैष्णवता को कौन जान पाया।